देखिए नेक्स्ट लाइन मैम रीड कर रही हैं, ऑलवेज कीप ऑन एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ ऑल योर इम्पॉर्टेंट डेटा। अब इसमें देखें क्या क्या स्पेलिंग की मिस्टेक लग रही है। क्लीप, अभी मैम ने ऊपर आपको बताया ना क्लीप कोई वर्ड नहीं है, करेक्ट वर्ड क्या है कीप, तो इसको अंडरलाइन करें, यह हमें रॉन्ग लग रहा है। ठीक है, एन एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ ऑल योर इम्पॉर्टेंट, इम्पॉर्टेंट की स्पेलिंग सबको आती है ना, यहाँ पे कुछ स्पेलिंग मिस्टेक है, इसको भी अंडरलाइन कीजिए। ठीक है, क्लीप इम्पॉर्टेंट टू वर्ड हमें मिले हैं थोड़ी सी जिनमें स्पेलिंग मिस्टेक है, हम इसको करेक्ट राइट करेंगे नीचे। क्लीप, क्लीप की स्पेलिंग क्या होती है करेक्ट, के डबल ई पी, कीप, तो हम यहाँ राइट करेंगे। ठीक है, ठीक है, क्लीप मैम ने इसको करेक्ट करके राइट किया, के डबल ई पी, कीप। ओके, नेक्स्ट वर्ड हमारा था इम्पॉर्टेंट, जो हमें थोड़ा सा रॉन्ग लग रहा था, हमने इसको करेक्ट करके राइट किया, आई एम पी ओ आर टी ए एन टी, इम्पॉर्टेंट। ठीक है, क्या स्पेलिंग होती है इम्पॉर्टेंट की, आई एम पी ओ आर, लेकिन हमें ऊपर क्या लग रहा, क्या नजर आया, डबल आर। ठीक है, हमने उसको करेक्ट किया, टी ए एन टी, करेक्ट स्पेलिंग है, वन टी यूज करते हैं, लेकिन ऊपर क्या था, डबल टी यूज किया हुआ था, हमने उसको भी करेक्ट किया है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट लाइन, प्रिंट ऑन बोथ साइड ऑफ द पेपर। अब यहाँ पर देखें क्या क्या वर्ड आपको मिस्टेक लग रही है, किस किस वर्ड में मिस्टेक लग रही है, इसको राइट अंडरलाइन करें पहले। प्रिंट ऑन बोथ, बोथ की स्पेलिंग ये तो नहीं होती, सबको पता है, तो इसको अंडरलाइन कर लीजिए। साइड्स ऑफ द पेपर, पेपर की स्पेलिंग भी ये तो नहीं होती, उसको भी अंडरलाइन कर लें। ठीक है, बोथ, बोथ की करेक्ट स्पेलिंग क्या होती है जी, बोथ की करेक्ट स्पेलिंग क्या होती है, बी ओ टी एच, बोथ, लेकिन हमें ऊपर क्या नजर आया, एक ओ के बाद ई भी नजर आया, जो हमने इधर रिमूव कर दिया, करेक्ट स्पेलिंग बना दी। ठीक है, साइड्स ऑफ द पेपर, पेपर की स्पेलिंग क्या होती है, पी ए पी ई आर, लेकिन हमें ऊपर क्या नजर आया, आई ई आर, तो आई को हमने रिमूव कर दिया। ठीक है, तो फिर ये करेक्ट स्पेलिंग बन गई, ये यहाँ हमने मिस्टेक्स को करेक्ट कर दिया है। ठीक है, बहुत नीट एंड क्लीन वर्क कीजिएगा। ओके, 59 पेज हमने कंप्लीट कर लिया है, अब हम आएंगे पेज नंबर 55 हमने कर लिया है, अब हम आएंगे 59 पर। ठीक है, तो अपने पेज को टर्न कीजिए। जी मैम ने पेज नंबर 59 ओपन कर लिया है, यहाँ हमें कुछ MCQs करने हैं, टिक द करेक्ट स्टेटमेंट, आपने करेक्ट स्टेटमेंट को टिक करना है। ठीक है, मैम के साथ साथ आप भी करते रहिएगा ताकि आपका वर्ड जमा ना हो। ठीक है, साथ साथ आपका वर्ड भी अटेम्प्ट होता जाए, फिर आप उनको लर्न बआसानी कर सकते हैं। चलिए आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। जी फर्स्ट लाइन क्या है हमारी, वी कैन सेलेक्ट अ वर्ड बाय डैश, ऑप्शन ए क्लिकिंग द माउस वंस, बी क्लिकिंग द लेफ्ट बटन ऑन द माउस, एंड सी डबल क्लिकिंग द माउस। वी कैन सेलेक्ट अ वर्ड, जब हम किसी वर्ड को सेलेक्ट करते हैं तो किसके जरिए से क्या करना पड़ता है हमें, डबल क्लिकिंग द माउस। करेक्ट आंसर क्या है हमारा, डबल क्लिकिंग द माउस। ठीक है, यानी सी ऑप्शन करेक्ट है, तो टिक करेंगे मैम के साथ। ओके, मैम ने टिक कर दिया है और आपने भी टिक कर लिया होगा। नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं। नंबर टू, वी कैन सेलेक्ट टेक्स्ट बाय डैश, ऑप्शन ए क्लिकिंग द राइट बटन ऑन द माउस, ऑप्शन बी ड्रैगिंग द माउस व्हाइल क्लिकिंग ऑन इट, ऑप्शन सी क्लिकिंग द लेफ्ट बटन ऑन द माउस। वी कैन सेलेक्ट टेक्स्ट, हम टेक्स्ट को जब सेलेक्ट करते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, करेक्ट आंसर क्या है हमारा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, ड्रैगिंग द माउस बाय क्लिकिंग ऑन इट, माउस को हम ड्रैग करते हैं। ठीक है, मैम ने टिक कर दिया है, आपने भी टिक कर लिया होगा। सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं। नंबर थ्री, इफ अ सेंटेंस इज इन द रॉन्ग प्लेस एंड वी नीड टू रिमूव इट डैश, ऑप्शन ए, सॉरी दोबारा मैम रीड करिए, इसको दोबारा देखें। इफ अ सेंटेंस इन द रॉन्ग प्लेस एंड वी नीड टू मूव इट डैश, ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए वी कॉपी एंड पेस्ट इट, ऑप्शन बी वी डिलीट इट, ऑप्शन सी वी कट एंड पेस्ट इट। अगर हमारा कोई सेंटेंस रॉन्ग प्लेस पर हो तो हम क्या करते हैं, हमें उसको मूव करना है, एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाना है, तो हम क्या करेंगे उसको, करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन सी करेक्ट है। क्यों, वी कट एंड पेस्ट इट, पहले हम उसको जिस जगह रॉन्ग प्लेस पर है वहाँ से हम उसको पहले कट करेंगे, फिर नेक्स्ट प्लेस पर जहाँ हमें सेव करना है
फिर हम वहाँ जाके पेस्ट कर देते हैं साथ। ठीक है मैम ने टिक कर दिया है, आप भी मैम के साथ साथ करते रहिए। अब नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं।